हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजी मेंटो में। और जहाँ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ठीक है, हम समझेंगे कि ये कॉरिडोर क्यों बना, कहाँ बन रहा है, कैसे है, करतारपुर साहिब से इसका क्या रिश्ता है। ठीक, और ये अचानक न्यूज़ में इतना कैसे हाईलाइट हुआ और किस किस देश के साथ इसके संबंध है इस कॉरिडोर के जो ये बनने जा रहा है, और भारत के संदर्भ में भारत से रिलेटेड इसके क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी पड़ोसी हमारा देश है पाकिस्तान, जहाँ पे करतारपुर गुरुद्वारा स्थित है, उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इन सब बातों को इकोनॉमिकली और ज्योग्राफी एक्सपेक्ट से हम देखेंगे। तो बहुत सी नॉलेज आप लोगों को यहाँ मिलने वाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जानना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एक आपको इमेज दिख रही होगी पहले, ये जो पाकिस्तान के अभी हाल ही में चुने गए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इधर हमारे जो इंडिया के एक अच्छे खासे पॉलिटिशियंस हैं, जिन जो और ये दोनों का जो बैकग्राउंड है क्रिकेट से, दोनों आपस में फ्रेंड रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और इनकी बातचीत को ऐसा हाईलाइट क्यों किया गया, तो इन सब चीज़ों को भी हमें डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए, हमारे जो कैबिनेट है, ठीक है, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में इस कॉरिडोर को अप्रूवल क्यों दे दिया और कैसे दे दिया, ये सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं इसको, और पहले मैं आपको देखो दिखा देता हूँ कि करतारपुर साहिब दिखा देता हूँ मैं आपको मैप में। देखिए, ये आपका है करतारपुर साहिब। ठीक है, ये जो करतारपुर साहिब है, अब इधर आपका इंडिया का रीजन होगा, यहाँ से बहती है रावी नदी। ठीक, बिल्कुल रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, और ये जो एरिया है इंडिया का, देखिए यहाँ पंजाब है आपका, और पंजाब से आप इधर जाएंगे तो करतारपुर साहिब, और ज़्यादा नहीं, इस एरिया का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर के आसपास का है, कि भाई चार जो बॉर्डर का डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर के आसपास। देखिए, यहाँ पर आपका अमृतसर बसा है, यहाँ करतारपुर साहिब है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं 3D व्यू में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही पास है एकदम इंडिया के। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों रहा करतारपुर कॉरिडोर। और देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, करतारपुर साहिब की, और इसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह बात करेंगे। देखिए, जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उन्होंने गुरदास जिले में, ठीक है, जो गुरदासपुर है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है गुरदासपुर, तो गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नाम, ठीक है, नानक जो है, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अगर माने तो एक गलियारा बनाने की बात की गई है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका इंडिया है, और अगर इंडिया की से बॉर्डर ये हो गई, तो इधर आपका ये मान लीजिए पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया है ये। ठीक है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो इंडिया के बॉर्डर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसको आपस में क्रॉस करके जाने की बात है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो अब ईजीली इंडिया से करतारपुर गुरुद्वारा जा सकते हैं, करतारपुर साहिब जा कर के वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें, रिलीजन के हिसाब से भी देखें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है, और हम जानेंगे इसमें गुरु नानक देव के बारे में। और सबसे अच्छी बात क्या है, गुरु नानक देव की अब जो 550वीं, ठीक है, 550वीं जो सालगिरह बनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस संदर्भ में बताया जा रहा है कि भाई इसको ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार से जो सिख समुदाय जो तकरीबन पिछले 70 सालों से इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये उनके लिए खुलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई भारत पाकिस्तान का ही हिस्सा पहले था, और फिर पार्टीशन के टाइम पे दोनों अलग अलग हो गए, तो जो क्या कहते हैं करतारपुर जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया था। तब क्या होता था कि अगर किसी को दर्शन करने हैं तो या तो आप वीज़ा पासपोर्ट आपके पास है, वीज़ा लेकर के आप लोग जाइए पाकिस्तान, तो आप दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं लेके जा पा रहे वीज़ा, उनके लिए क्या किया जाता था, सुविधा बनाई जाती थी, कैसे कि एक हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, वहीं पर एक छोटा सा कॉरिडोर बना दिया गया, और वहाँ से दूरबीन जो बायनाकुलर होते ना, उसके थ्रू लोग इसका दर्शन करते थे। अब उसमें कुछ समस्या ऐसे भी आती थी जिसका भी समाधान आपस में लोगों ने बैठ के निकाला, जैसे जंगल होता है तो जंगलों में लंबी लंबी घास उग जाती है, तो वहाँ पर उनसे बात की गई, भाई देखो जब अगर घास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, या फिर ज़्यादा झाड़ी पेड़ पौधे आ जाएंगे, तो भी दर्शन जो है दूरबीन से करने दुर्बल हो जाते थे। तो इस संदर्भ में भी यहाँ पे दोनों देशों ने आपस में सहमति की, समझा इसको, और वहाँ पे बातचीत की कि भाई उस मैदान को भी थोड़ा क्लियर रखा जाएगा। अगर देखते हैं कि
देखिए जो करतारपुर साहिब की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर हल्की सी पीछे इमेज आपको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपना माथा टेक के अरदास लगा रहे हैं। अब ये इशू इसलिए टॉपिक हाईलाइट भी है क्योंकि अचानक 70 साल के बाद ठीक हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मिल करके कोई एक अच्छा काम साथ में करने की कोशिश की, और इसका असर देखिए आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में इसको कनेक्ट करके देखें तो आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से चाइना के साथ में मिलकर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसमें से एक है, और इस वजह से जो वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है वो खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के में इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे इलेक्शन हुए और प्राइम मिनिस्टर जो अब नए बने हैं इमरान खान, उनके आ जाने के बाद में उन्होंने ज़रूरतों को समझा कि भाई क्या इंडिया और पाकिस्तान की ज़रूरतें हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, कैसे हैं इस टाइम पर, तो उसमें भी सुधार करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि एक प्रकार से चाइना थोड़ा चिंतित हो चुका है क्योंकि चाइना चाह रहा है इंडिया को पाकिस्तान के साथ मिलकर के या फिर और जो नेबर कंट्रीज के साथ में मिलकर के काउंटर करना कि भाई इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है ठीक है। लेकिन ऐसे समय में अगर पाकिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, और देखिए जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं ठीक है उन्होंने भी कहा था कि हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, और अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि इंडिया और पाकिस्तान की ठीक है भारत और पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में अगर कोई मसला है लेकर के तो वो एक ही मसला आता है वो है कश्मीर का मसला। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात बोली है कि इस मसले को भी आपसी बातचीत के जरिए जल्दी हल कर लिया जाएगा ठीक। तो इसमें बाकी कोई ऐसा मसला है नहीं कि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें, और आप लोग खुद भी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में के बीच में अगर कश्मीर को लेकर के मुद्दे को अगर आप साइड में रखें, कश्मीर का मुद्दा आपने साइड में रखा तो उससे अलग अगर आप बात करके देखेंगे तो कोई और मुद्दा आपको नज़र में नहीं आएगा कि किसी मुद्दे पे हम दोनों के बीच में लड़ाई हो, दो देशों के बीच में आपस में लड़ाई हो। और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी एक उदाहरण के तौर पर तस्वीर प्रस्तुत की थी फ्रांस और जर्मनी की। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो फ्रांस और जर्मनी है वो लोग भी आपस में पहले उनके रिश्ते क्या कैसे भी थे लेकिन आज के डेट में वो आपस में एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं ठीक। और इसी संदर्भ में उनका ये मैसेज दिया है उन्होंने कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन भी फ्रांस और जर्मनी का उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही पार्ट हुआ करता था। अब देखिए अगर हम इसको और किसी एस्पेक्ट से समझें तो मैं आप देखिए जो गुरु नानक ये जो है करतारपुर साहिब ठीक है ये गुरु नानक जी के द्वारा ही बसाया हुआ था, और जहीं पर जब गुरु नानक जी आकर बसे रहे ठीक है उन्होंने यहाँ पर आकर खेती बाड़ी की और कई लोगों ने उनको ज़मीन दान में दी, और गुरु नानक जी ने यहीं पर आकर सबसे पहले शुरुआत की थी वो की थी संगत और पंगत की। अब संगत का मतलब होता है यहाँ पर आप बैठ करके बातचीत करते हैं उस प्रकार से ठीक है, और ऐसे ही होता है पंगत ठीक। पंगत का मतलब होता है यहाँ पर आप लंगर छकते हैं, मतलब जो लोग बैठ करके आपस में भोजन करते हैं बहुत एक उतना। आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आपने देखा होगा जो लोग भोजन करते हैं गुरुद्वारे में तो उनको आप कहते हैं पंगत। तो इस चीज़ की शुरुआत भी जो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव उन्होंने की थी ठीक। तो इसी प्रकार से अब देखिए जो हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं ठीक, लेकिन उन सभी में से ये गुरुद्वारा अहम महत्व क्यों रखता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस का कारण ये भी है कि ये सब बना हुआ सबसे पहला गुरुद्वारा, मतलब जितने भी गुरुद्वारे एस्टेब्लिश हुए उन सब में सबसे पहला गुरुद्वारा यही बना था ठीक। और जब सिख कम्युनिटी के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव उनकी जब मृत्यु हुई 1539 में ठीक है 1539 में, तब उनकी जो समाधि है वो भी यहीं बनाई गई ठीक। तो इस संदर्भ में भी ये इम्पोर्टेंट था। तो गुरु जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं कि हॉली पैलेस है ठीक है, बहुत ही आस्था का विषय है ये। और अगर हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर देखें तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ठीक
ठीक है, स्वर्ग श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 1999 में भी ट्राई किया था कि भाई इस प्रकार का एक कॉरिडोर बने और उसमें क्या हो कि बस के थ्रू, ठीक है, एक बस कॉरिडोर बनाने की उन्होंने कोशिश की थी कि भाई बस कॉरिडोर बने, लेकिन उस टाइम पर वो बातचीत पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ अड़चनें आ गई थी। लेकिन अभी दोबारा से फिर ये इशू हाईलाइट हुआ और इस बार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है और इधर हमारे इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर ने भी अप्रूवल दे दिया है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, माननीय श्री वेंकट नायडू जी, उन्होंने खुद जा कर के इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इस पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है इसके संदर्भ में कुछ बात कर लेते हैं, इसके रिगार्ड से कुछ बात करते हैं। ये जो कॉरिडोर एकदम, इस कॉरिडोर से आप वीज़ा फ्री, मतलब यहाँ पर आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करतारपुर साहिब जाना है, वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है, तो आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट वीज़ा वहाँ जा सकते हो। अब देखिए, अगर लेंथ कॉरिडोर की बात करें तो इसकी लेंथ जो है कॉरिडोर की वो है 4 किलोमीटर के आसपास की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार से, जैसे कि इधर आपका मैं इंडिया मान लेता हूँ, इंडिया, और इधर आपका है पाकिस्तान, तो इन दोनों के बीच में जैसे कॉरिडोर विकसित होगा ये बॉर्डर क्रॉस करके, और इस कॉरिडोर पे बिल्कुल आपको फैसिलिटी जो दी जाएंगी, मतलब यहाँ पे यही नहीं कि केवल एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा, रास्ता बन गया, केवल एक रास्ता ही नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको रहने की, खाने पीने की, हर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। पूरा का पूरा आपने से कि आज एयरपोर्ट आप देखते हो, ठीक, तो एयरपोर्ट वाली सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेंगी, होटल्स आपको मिलेंगे। और ये इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अगर इसको देखें तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिकली भी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पर। और हो, जब यहाँ पर एक आप इतना अच्छा कॉरिडोर विकसित कर दोगे, कॉरिडोर डेवलप कर दोगे, तो उससे क्या होगा, जो बेरोजगार लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना है, और दोनों को जो धार्मिक रिलीजन है वो भी यहाँ पर सुधरेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और बोली गई कि दोनों देशों के बीच में जो भी मसला होगा वो बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा, ऐसा नहीं किसी चीज़ को लेकर लड़ाई होगी या कोई किसी को डराएगा धमकाएगा, नहीं, हर मसला बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा और बातचीत के द्वारा ही ये लोग आपसी सहयोग से इस कॉरिडोर का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे जो एक अच्छे खासे राजनीतिक हैं, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी जब पाकिस्तान गए, वहाँ जाकर के उन्होंने जब जो इंडिया के, वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनसे बातचीत की, ठीक है, तो इस कॉरिडोर के बारे में उन्होंने उनसे बातचीत की कि भाई इंडिया के लिए खुलना चाहिए और काफ़ी जो श्रद्धालु लोग हैं इसके खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये मामला काफ़ी टाइम से लटका हुआ था। तो हम कह सकते हैं जो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका नज़रिया, इंडिया को देखने का नज़रिया अब तक के रहे प्रधानमंत्री से काफ़ी अलग होगा, ठीक। और यहीं पर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया सहयोग के लिए एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि ये पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है और इससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। और इसी की वजह से अभी देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेल कॉरिडोर ऑलरेडी चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेल कॉरिडोर ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, अब ये एक और अहम मसला हल होने के बाद में इंडिया और पाकिस्तान का काफ़ी इशू हल हो जाते हैं। अब देखिए, गुरु नानक ने जब रावी नदी के किनारे ये नगर बसाया था तो यहाँ पर उन्होंने खेती की, और खेती करने के साथ में उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ दिया जिसको कहते हैं आप कि नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, ठीक है, यानी कि मतलब नाम जपे, मेहनत करे और बाँट कर खाए। ये जो स्टेटमेंट है ये भी गुरु नानक जी ने दिया, जिससे लोगों को समझाया कि आप हर प्रकार से मानव गरिमा को अपनाओ, अहिंसा का रास्ता त्याग दो। तो इस प्रकार की बातें हैं यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने से जब हम जान रहे हैं कि जो चाइना है उसको एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ से एक कॉरिडोर निकालने के चक्कर में है चाइना। अब ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने इस कॉरिडोर का समर्थन नहीं किया है, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, तो इस वजह से जो चाइना है वो इंडिया से थोड़ा सा कटता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं कर सकते, पूरी तरह से बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट है चाइना के लिए। अगर पूरी तरह से वो बहिष्कार करेंगे तो फिर उनका मार्केट वो ख़राब हो जाएगा और वो किसी भी प्रकार से अपना मार्केट ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन अब चाइना किसी ना किसी तरह ट्राई करेंगे कि भाई
फिर से पाकिस्तान को अपने फेवर में लाया जाए, क्योंकि हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है उसमें देखिए जो नेपाल है, ठीक है, नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। वहीं अगर आप म्यांमार की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो इन सब देशों के साथ में हमारे ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ में प्रोजेक्ट चलने से, और ख़ास तौर पे कि इतने कम समय में कि अप्रूवल मिलते ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की जो रणनीति अपनाई गई कि तुरंत इसको शुरू कर दिया है, ठीक, तो उस संदर्भ में चिंता का विषय चाइना के लिए बन जाता है पाकिस्तान को लेकर के, कि अगर पाकिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ हो जाता है तो वो किस प्रकार से इसको देखेंगे और किस प्रकार से उसको वो सहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रकार से इसको डिस्कस किया है और जाना है करतारपुर साहिब किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और किस प्रकार से ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी हमने बातें इसमें जानी हैं, ठीक। तो इसके बाद मैं कहूँगा आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, कोई अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।